Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Many of you were asking me that why are we not uploading any bonus videos या जो हमारी अपनी regular videos होती हैं वो हम क्यों नहीं upload कर रहे. So today this is the bonus video and you will find it very interesting. ये बहुत ही मज़ेदार topic के बारे में है. So today's video is about people's idioms, यानी लोगों को describe करने के लिए जो छोटे छोटे phrases और मुहावरे जो हैं अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होते हैं वो क्या हैं और उनका मतलब क्या है. सो इफ़ यू नो दीज idioms यू कैन यूज़ देम फॉर डिस्क्राइबिंग डिफरेंट पीपल. सो सबसे पहले शुरू करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ आर्म चेयर क्रिटिक. सो एन आर्म चेयर क्रिटिक इज़ समवन हु क्रिटिसाइजेज अदर्स यूजुअली विदाउट नोइंग एनीथिंग. बस अपनी कुर्सी पे विराजमान हो के हर किसी पर तनकीद करने वाले को और या हर किसी के बारे में ओपिनियन देने वाले को हम आर्म चेयर क्रिटिक कहते हैं. बैक सीट ड्राइवर, ये तो आपने अक्सर देखे होंगे. दीज आर समवन हु गिव ऑर्डर्स व्हेन यू आर ड्राइविंग या व्हेन समवन एल्स इज ड्राइविंग. गाड़ी कोई और चला रहा है लेकिन ये बीच में बता रही है यहाँ से मोड़ो, स्पीड तेज करो, आहिस्ता करो, हॉर्न बजाओ. दीज पीपल आर कॉल्ड द बैक सीट ड्राइवर्स. ब्लैक शीप अक्सर आपने सुना होगा, खबरों में तो अक्सर आप सुनते हैं इसकी उर्दू, काली भेड़ें. सो अ मेम्बर ऑफ अ फैमिली और अ ग्रुप हु इज रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस टू इट. किसी भी ग्रुप का या ख़ानदान का ऐसा फ़र्द जो कि समझा जाए कि इसने नाम ख़राब कर दिया है बाकी लोगों का, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लैक शीप. बिजी बॉडी अ वेरी गुड वन, यू कैन यूज़ इट इन द क्लास रूम ऑल्सो और अक्सर हमने देखा भी है. बिजी बॉडीज़ वो होते हैं समवन हु हैज़ हिज और हर नोज़ इन एवरीबडीज़ बिजनेस. हर किसी के काम में जिसका काम होगा और हर वक्त टो में लगा रहेगा, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अ बिजी बॉडी. चैटर बॉक्स इज़ एन ईजी वन, अक्सर जो बहुत बातूनी होते हैं. समवन हु टॉक्स नॉन स्टॉप, उनको हम चैटर बॉक्स कहते हैं. चीप स्केट इज अ पर्सन जो कि बहुत कंजूस है, बिल्कुल खर्चा वर्चा अपने ऊपर नहीं करता, उसका बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, सस्ती सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करता है, दैट इज़ अ चीप स्केट. कोल्ड फिश, कोल्ड फिश इज़ समवन जो कि बड़ा डिटैच्ड और समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली और अन इमोशनल, बिल्कुल कटा हुआ और सर्द महर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सर्द महर लोग, दे आर कॉल्ड कोल्ड फिश इन इंग्लिश. कॉपी कैट इज़ समवन हु कॉपीज अदर, किसी का आइडिया, किसी के कपड़ों का डिज़ाइन देखकर, किसी की बातों का स्टाइल देखकर, सो दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अ कॉपी कैट, उर्दू में नकल खोर जैसे हम कहते हैं दैट. A couch potato is someone who is lazy and watches a lot of TV. Couch के ऊपर बैठे हुए हैं और बस सिर्फ टी वी ही देखे जा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, वी कॉल दैम couch potatoes. Cry baby, उर्दू में रोतलू. Someone who cries a lot and for no good reason, not really a baby. उसके लिए baby होना ज़रूरी नहीं है, आप बड़ी उम्र के लोगों को भी देखेंगे, they are cry baby because they need to create a fuss about everything. हर चीज़ पर शोर शार मचाना, रोना धोना शुरू कर देना. Daredevil is someone who takes unnecessary risks, खामखा शो ऑफ करने के लिए या जान दिखाने के लिए किसी भी वजह से खतरे में खुद को डालना, खतरे में कूद पड़ना is a daredevil. Down to earth, पहले तो मैं समझती थी कि शायद इसका मतलब है humble, but not only humble, but a practical, sensible and realistic person. So a practical and sensible person, जो कि बहुत समझदार है और इसको पता है. Early bird is someone who wakes up early in the morning, सहर खेज जिसको हम उर्दू में कहते हैं, सुबह जल्दी उठने वाले. A fat cat is usually used for a wealthy and a powerful person, businessman के लिए इस्तेमाल होता है, politician के लिए इस्तेमाल होता है, someone who is wealthy and powerful. Good as gold usually हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं when they are very well behaved, children who are very well behaved, जो कि बहुत तमीज़दार और अच्छे लायक बच्चे जो अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं. Heart of gold we use for a person who is a really good person, kind hearted है, supportive है, काम आता है दूसरों के, मदद करता है, that person, for that person we say that he or she has a heart of gold. A night owl, ये बिल्कुल early bird के opposite है. Someone who loves to stay up late, रातों को देर देर तक जागते रहना. हमारे अक्सर जो जवान बच्चे हैं उनमें से ज़्यादातर night owls हैं. अगर वो कोई काम वगैरह करते हैं फिर तो उन्हें मजबूरन भी उठना पड़ता है, but otherwise they like to stay up late in the night.
ओल्ड एज हिल्स, समवन हु इज़ वेरी वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा, बिल्कुल ख़त्म, यानी इन पहाड़ों से भी ज़्यादा बूढ़ा, समवन हु इज़ वेरी ओल्ड. पेन इन द नेक, अक्सर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे. समवन हु इज़ वेरी अनोइंग एंड कॉजेज यू अ लॉट ऑफ एग्रीवेशन, आपको तंग करने वाला, परेशान करने वाला, बार बार आपको झंझलाहट का शिकार करने वाले लोग जो कि आपके इर्द गिर्द होते हैं माहौल में. पेन इन द नेक. अ सोशल बटरफ्लाई, यस, समवन हु इज़ एन एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन हु लव्स टू सोशलाइज. हर पार्टी में जाना है, हर फंक्शन में जाना है, हर किसी के घर जाना है, इंजॉय करना है कंपनी को. सो समवन हु इज़ गुड एट सोशलाइजिंग. अ ट्रबल मेकर इज समवन हु क्रिएट्स ट्रबल फॉर अदर्स. क्लासरूम में जैसे पिक्चर में आप देखिए शरारती सा बच्चा है, तो अ ट्रबल मेकर इज समवन जो कि सबको हमेशा परेशान किए रखे, कोई ना कोई मस्ती, शरारत, गलती कर देना. A whiz kid, yeah, a whiz someone, ज़रूरी नहीं कि kid, is someone who is very, good at something like computers or maths, who is really good at something, यानी computer में या maths में या technology में बहुत आगे, जिसको सारी बातों का पता हो, mobile phone का use, computer का use, बहुत सारी apps के बारे में पता हो, that is a whiz someone or a whiz kid भी हम कह सकते हैं. हमारे ज़्यादातर बच्चे आजकल whiz kids हैं. एंड द लास्ट वन इज़ वरी वॉट, समवन हु वरीज अबाउट एवरी लिटिल थिंग. आप पिक्चर में देखिए, पता नहीं क्यों परेशान हो रही हैं ये दोनों खवातीन, तो कुछ छोटी छोटी बात पे परेशान होने वाला और उस बात पे कुड़ने वाला और उस बात को लेके बैठने वाला इज़ कॉल्ड अ वरी वॉट. तो अगर आप अपने इर्द गिर्द माहौल में देखेंगे, सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, और अगर आपको ये वाले पीपल idioms आते हैं तो आप बड़े मज़े से लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सम ऑफ दीज यू कैन यूज़ प्राइवेटली, ज़ाहिर है कुछ ऐसे हैं जो कि उस बंदे के सामने नहीं यूज़ कर सकते आप, बट दिस इज़ गुड नॉलेज, गुड वोकैबलरी. आपको अंग्रेज़ी की वोकैबलरी में जो है इन ये सारे लफ्ज़ जो हैं वो आ जाने चाहिए. सो थिंक अबाउट दीज वर्ड्स और देखिए थोड़ा सा अपने आप को असेस कीजिए, इसमें से आप कहाँ फिट होते हैं, कौन सा idiom जो है वो आपको अच्छे तरह से डिस्क्राइब करता है. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.